हेलो दोस्तों, एसएससी अड्डा 246 पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में बात करेंगे। देखिए, रेलवे एएलपी में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ग्रुप डी में भी उम्मीद है इससे क्वेश्चन आने की। तो देखिए, यहाँ पर जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई जो जो है, और उसके अध्यक्ष कौन है, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद राय। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है आईसीसी के प्रथम डिप्टी चेयरमैन, मतलब जो आईसीसी है उसके अध्यक्ष तो हैं हाल ही में शशांक मनोहर, पर लेकिन जो उसके प्रथम डिप्टी चेयरमैन थे वे कौन थे, इमरान ख्वाजा। उसके बाद है आईसीसी, आईसीसी की जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है वो कौन थी, इंदिरा नुई। देखिए, इंदिरा नुई के बारे में एक पॉइंट और है, इंदिरा नुई ने पैप्सिको के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद है देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, रवि शास्त्री। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, रवि शास्त्री। उसके बाद है भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, नीलम कपूर। उसके बाद है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, दुष्यंत चौटाला। और भारतीय क्रिकेट टीम की चयनित समिति के अध्यक्ष कौन है, संदीप पाटिल। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, स्टीफन कॉन्स्टेटाइन, इंग्लैंड के हैं ये। उसके बाद देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, शेख सलमान बिन इब्राहिम, ये यहाँ के हैं बहरीन के। उसके बाद है भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, कंवरदीप सिंह। उसके बाद है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह। उसके बाद है आपका मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है, सोबास्टियन को, ये हैं ब्रिटेन के। उसके बाद है एशियाई एथलीट संघ के अध्यक्ष कौन है, दहलन जुम्मान अल अहमद। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण महाजन। उसके बाद है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरिंदर बत्रा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख, जर्मनी के हैं ये। उसके बाद है एशियाई ओलंपिक परिषद AICC के महासचिव कौन है, रणधीर सिंह, ये कहाँ के हैं, भारत के। उसके बाद है भारतीय बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसके बाद है फीफा के अध्यक्ष कौन है, फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। देखिए, यहाँ पर फीफा का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फीफा रूस में हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है, नरिंदर बत्रा। उसके बाद आपका विश्व स्क्वैश फेडरेशन WSF के अध्यक्ष कौन है, एन रामचंद्रन, ये कहाँ के हैं, भारत के। उसके बाद है एशिया क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है, तिलंगा सुमति पाला। उसके बाद है भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष कौन है, ब्रजभूषण शरण सिंह। उसके बाद है अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार मल्होत्रा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, जनार्दन सिंह गहलोत। देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये आप लोगों को सभी अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष हैं और जितने भी हैं, इनसे बाहर कोई नहीं है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिए तो इनसे एक दो क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, और इससे बाहर कोई भी आप लोगों से खेल के संगठनों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।